ये जारी बात आप जब भी अफगानिस्तान से खेलेंगे तो वो मतलब एक्सपेक्ट यही क्या था है कि हम जीतेंगे तो वो मतलब एक मुश्किल टाइम था हार्ड ब्रेक कह है लें हैं पाकिस्तानी टीम के लिए और पाकिस्तान लोगों के लिए भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं क्योंकि हम उनसे सीरीज खेले थे हमें पता था उनकी पोटेंशियल का कि वो चेन्नई जैसे ग्राउंड में मुश्किल कर सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन मेरे ख्याल से आपको अफगानिस्तान को भी उस दिन क्रेडिट देना पड़ेगा उन्होंने मतलब आउट ऑफ स्किन आके खेला था हमें बिल्कुल सरप्राइज किया था उन्होंने बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में मतलब उन्होंने आउट प्ले मतलब आउट प्ले नहीं है लेकिन आउट ऑफ स्किन आ हम उनसे उतनी अच्छी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं शायद कर रहे थे जितनी क्रिकेट वो उस दिन खेल गए थे इवन आप पूरा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप देखें तो उन्होंने मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले उन्होंने इंग्लैंड को हराया ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराने लगे थे लेकिन वो की वन ऑफ द दोबारा कभी उसको ही दे, ही देखेंगे। नहीं देखेंगे तो वो पूरा टूर्नामेंट ही बहुत अच्छा खेले ठीक है अफगानिस्तान के मैच की हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से मैच के हारने का दुख ज्यादा था ये इरफान पठान ने जो डांस किया उसके बाद उस दुख में मजदीद इजाफा हुआ क्योंकि इसके बाद फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने एक इंटरव्यू भी देने को मना कर दिया इरफान पठान को इतनी हाइप हो गई थी उस डांस की नहीं मतलब वो डांस से तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नहीं, डांस क्योंकि है अब आपकी जो हार है आपके शिक्षत में कोई दूसरा खुश हो रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना जी क्योंकि उससे पहले ही मतलब हम उससे अफगानिस्तान से आ चुके थे तो वो इतना हार्ड ब्रेक था कि, हाँ। था कि फिर वो बाकी चीज़ें जो है काफ़ी छोटी लग रही थी तो वो उनका डांस करना ओबियसली उनके दोस्त हैं उन्होंने उसके उनके साथ डांस किया तो उससे मतलब हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता लेकिन ये है कि जो अफगानिस्तान से हारे थे वो मेरे ख्याल से काफ़ी हार्ड मेरे मुझे अभी लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी मतलब इंटरनेशनल करियर का वो मतलब कह लें कि मुझे हार्ड ब्रेक लेकिन इनशाला भी आपके कैरियर का आगाज हुआ है अभी मंजिल आगे और भी है अभी सितारों से आगे आसमां और भी है अभी आगे और जहाँ इनशाला वो भी सर करेंगे हमारी दुआएं आपके साथ हैं आप जैसे यंगस्टर के साथ हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर है पाकिस्तान का सब जलाली परचम आपकी वजह से दुनिया भर के मैदानों में सर बुलंद होगा और इन शाह पाकिस्तान का नाम आप ही लोग दोबारा से बुलंद भी करेंगे लेकिन ये बताएं कि अब जब आप इंडिया में थे क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कहा कि फ्लाइट बुक हो गई है पहले चले जाओ जहाज एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है ये सब चीज़ें सुनकर गुस्सा आता था अपने आप पर